ब्लॉग। तो मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ, मतलब बना रही हूँ। ऐसे तो मैंने बहुत सारा क्लिप ले रखा है। एक्चुअली मैं, मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था और मैं उसी में थोड़ा व्यस्त हो गई थी। तो अभी आज मेरा कॉलेज में फ्रेशर्स है, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग एक बना लेती हूँ। और उसके बाद मैं जैसे ब्लॉग ये सब डालूँगी, मैं आई थी बिहार से कैसे ये सब, तो वो सब ब्लॉग में डालूँगी। पहले मैंने सोचा कि फ्रेशर्स का डाल देती हूँ, वो सब एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले यही डाल देती हूँ। तो आज लेक्चर भी था, बट लेक्चर में क्या हुआ ना कि तीन ही बच्चे थे, तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, आज तो लेक्चर होगा नहीं। तो मैं फिर अभी हॉस्टल जा रही थी, तो अभी ये मुझे बहुत सुंदर सा बैकग्राउंड दिखा, ये मेरे कॉलेज का ही पार्ट है। तो मैंने सोचा कि यहीं पे मैं स्टार्ट करती हूँ अपने ब्लॉग का। तो अभी हम लोग चलते हैं पहले हॉस्टल, हॉस्टल में रेडी वेडी होके फिर यहाँ आऊँगी मैं। एक्चुअली मेरा गोप्रो भी ख़राब हो गया, और मैं सोची थी, मतलब मैं जब आने वाली थी ना, उससे दो दिन पहले ख़राब हुआ। मतलब मैं रख दी हुई थी उसको अंदर में कि इसका तो काम है नहीं कुछ, तो क्या इसको मतलब ये करे, यूज करे। तो मैंने रख दिया, उसके बाद मैं जब उसको निकाली तो ओपन ही नहीं हो रहा, मतलब ऑन ही नहीं हो रहा, ओपन ऑन ही नहीं हो रहा। तो मैं सोची मैं उसका बैटरी भी चेंज करके देखी, बट कुछ काम नहीं कर रहा। और मैं चार्ज में भी लगा के देखी, तो चार्ज में लगाने के बाद वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, एकदम गर्म। तो मैंने सोचा कि मैं जा रही हूँ जहाँ, वहाँ पे तो होगा ही कहीं ना कहीं ये इसका सर्विस सेंटर। बट मैं बहुत सारा जगह ढूँढी, कॉल भी करी, तो बोलता नहीं मैम मैं बेचता हूँ बट मैं बनाता नहीं। तो इसलिए मैं अभी छोड़ दी हूँ। मैं जब छठ पूजा के लिए घर जाऊँगी ना, तो उसको भेजूँगी कलकत्ता या फिर दिल्ली, फिर मैं बनवाऊँगी उसको। उसके बाद जब तक मैं अपना फ़ोन यूज कर रही हूँ ब्लॉग के लिए। पता है आपको, फ़ोन से उतना मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा गोप्रो से आता है। गोप्रो का बात ही अलग होता है भाई, बट कोई नहीं, मेरा फ़ोन ठीक है, मैं कर सकती हूँ ब्लॉगिंग फ़ोन से। और इस कारण भी मैं ब्लॉग ये सब अपना बना नहीं पा रही हूँ। फ़ोन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ऐसे पकड़ना, और मुझे लगता है ना गोप्रो सही रहता है, ऐसे अपना पकड़ लो, मस्त बना लो, छोटा सा तो रहता है। तो ये बात था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर रही थी, मतलब नहीं बना पाई। और मैंने जो फ़ोन से मैं जब आई थी, तो वो सब मैंने बनाया था, तो वो सब मैं रख रखी हूँ। सबका उस सबको ना एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए आप मेरा फ्रेशर्स इंजॉय कीजिए। उसके बाद मैं अपना कॉलेज भी घुमाऊँगी आपको। और अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए जल्दी। तो मेरे बैच की लड़कियां जो हैं वो मस्त डांस करेंगी अभी। That within few months your new studios are going to be ready. एक बिहारी सबसे भारी। हो गई थी तब डॉक्टर्स, पुलिस और जर्नलिस्ट ने मिलके इस पूरी दुनिया को संभाला था।
जा रहा है। अब हम लोग रैंप वॉक देखेंगे, फैशन शो होने जा रहा है। मेरे कुछ फ्रेंड लोग भी अपना पार्टिसिपेट किए हैं रैंप वॉक को, मतलब फैशन शो में, मुझे देखना पड़ेगा। और कुछ काम धंधा नहीं है इसलिए। सब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग खाने के लिए हल्ला बोल रहे हैं कि हम लोग को यही मिला है बस, नथिंग। हम लोग का फ्रेशर्स वाला जो भी था सब खत्म हो गया, और अभी हम लोग को मिला है सैंडविच और माजा और एप्पी फीस। तो माजा पीना है, माजा पीने को एप्पी फीस पीना है, एप्पी फीस पियो। और अभी हम लोग जा रहे हैं डांस करेंगे ऊपर, चलिए डांस। फ्रेशर्स हो गया ख़त्म, और अभी हम लोगों ने बहुत सारा फ़ोटोज़ लिया सबके साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, और थोड़ा सा वीडियो वायरल नहीं हो तो थोड़ा सा इधर उधर शेयर कर दो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।